वेलकम टू पीसीडीआई पॉडकास्ट। मैं शिंजनी आपकी होस्ट। कुछ दिनों पहले मेरे व्हाट्सएप पर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीसीडीआई मेजर सुशील गोयल का मैसेज आया कि क्यों ना तुम ओकिनावा के लोगों पर एक पॉडकास्ट बनाओ। और मुझे ये आइडिया बहुत जमा। पता है क्यों? क्योंकि ओकिनावा के ज्यादातर लोग 100 ईयर्स 100 साल से भी अधिक जीते हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है। रिसर्च करने पर पता चला कि ओकिनावास ब्लू जोन में आते हैं। मैंने सोचा ब्लू जोन क्या है? ब्लू जोन दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक लोग एवरेज से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। और दुनिया में 5 ब्लू जोन हैं। ओकिनावा जो जापान में है, सार्डिनिया जो इटली में है, निकोया जो कोस्टा रिका में है, इकारिया जो ग्रीस में है और लोमा लिंडा कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो आज का पॉडकास्ट ओकिनावास के लोगों के नाम। ओकिनावास जापान के 160 द्वीपों का एक समूह है जिसके चारों तरफ पैसिफिक महासागर है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो चलिए जानते हैं ओकिनावा करते क्या हैं। पहला रहस्य, वे इकिगाई प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम इंडिया में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी जो लोग 4 बजे उठकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो भी आप काम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे उसकी वृद्धि होगी, उसमें बरकत होगी। दूसरा रहस्य, ओकिनावास के निवासी जो भी प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं अपने बगीचे में, वही खाते हैं, यानी फार्म फ्रेश। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बिजी लाइफ में मैं ये सब करूं कैसे? तो दोस्तों, 100 साल जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तीसरा रहस्य, नींबू जैसे फलों का खूब सेवन करते हैं, जैसे ऑरेंजेस, मौसम्बी, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और ओकिनावास के सब लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। वे प्रोसेस्ड फूड, एब्सोल्यूट नो। फास्ट फूड, एब्सोल्यूट नो। और उनका नॉर्मल डाइट 60% ओनली वेजिटेबल्स, जैसे कि स्वीट पोटेटो, सीवीड, बैम्बू शूट्स, कैबेज, रेडिश, भिंडी, पम्पकिन यानी कद्दू, और केवल 33% वे ग्रेन्स खाते हैं, यानी अनाज खाते हैं, जैसे कि मिलेट्स, व्हीट, राइस, नूडल्स। तो क्या आप तैयार हैं अपने डाइट को चेंज करने के लिए? दीर्घायु होने का 4th सीक्रेट है कि काम करते रहो और मस्त रहो। ओकिनावास के निवासी कभी अपने को रिटायर्ड महसूस नहीं करते हैं और उनका कहना है कि जब हम काम में तल्लीन होते हैं तो हम अपनी उम्र ही भूल जाते हैं। पांचवा रहस्य, ओकिनावास के लोग खाना बनाना, खाने की रेसिपी शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक, खाना ठहाके लगाना बहुत पसंद करते हैं, यानी कि नेचुरल डाइट, एक्टिव लाइफ और फिकर नॉट एटीट्यूड आपको शतक बनाने में पूरी मदद करेगा। तो मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए पीसीडीआई पॉडकास्ट और गुनगुनाते रहिए। तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, सूरज रोज आता रहे, रोज गाता रहे ले।